राधे कृष्ण सभी लोगों को। और अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। 3 बच्चे स्कूल जाएंगे और बाकी की छुट्टी चली गई कि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज की उनकी छुट्टी है। और अभी तैयार नहीं हुए तो अभी तक मैं नीचे आ गया। 7:30 हो रहे हैं, अभी चलते हैं वो ड्रॉप करने के लिए। कुछ मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो भाई नाश्ता तो कर लियो, दे पड़े हैं अभी सो रहे हैं बालक, खड़ा नहीं हो रहे, इनको भी नाश्ता आ गया या नहीं। अब हम तो खाना नाश्ता, फिर उसके बाद देखें कुछ काम। भाई लो यार, मेरा पापा सनरूफ खोल दो, आज तो सनरूफ पर दिख रही है, चोट लग जाएगी। भाई इतना ही ज्यादा ना बेटा, बाहर देख लो भाई, अब बालक मजा ही ले रहे पूरे सनरूफ को। हाँ मेरा हाथ पीछे जा रहा उस पर। तब तो हैं दिखा सकते हो, आराम से बैठ जाओ, आराम से लगा दो बेटा, पूरा ही लगा देते। चलो हम टूल डाले हैं, टूल जा रहे हैं भाई, फिर लिफ्ट में डालूंगा स्कूल स्कूल डाले हैं हम। फिर पापा जी चले जाए थे, लड्डू भैया, लड्डू भैया भी तोड़ने चले जाए, हम अपने स्कूल पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा चलो, अब आ गए सब स्कूल, आप जा रहे हैं घर। अब करना है व्लॉग एडिट कल वाला, अब बना के उसको फिर अपलोड करना है। एक तो अपलोडिंग बहुत मतलब कई बार कैंसिल हो जाता है, फिर होता है तो एक प्रोसेस आता है उसमें लास्ट में, पता नहीं किस चीज़ का, वो इतना टाइम इधर 99 पे आकर रुक जाता है, फिर मतलब इतना स्लो चलेगा, वाईफाई से डाउन, वाईफाई से करना तो वाईफाई से करके देख कर लिया, और वैसे मतलब होता ही नहीं है, वो इतना टाइम लगाता है ना, बस पूछो ना, इतना वो लोग एडिट में नहीं लगता जितना अपलोड करने में टाइम लग जाता है। चलो ये चल दिए हम ट्रैफिक, भाइयों अब आ गए हम ऑफिस पे, जा रहा हूँ एक बार मैं गाड़ी चेंज करूँ, क्योंकि इनोवा है, इनोवा मगर क्यों बड़ी गाड़ी खींची यहाँ ऑफिस पे, सेल्टोस होगी, पावन लेके आया शायद, स्कॉर्पियो तो खड़ी दिख रही है मेरे को, सेल्टोस नहीं दिख रही। भैया ले बेटे, सेल्टोस नहीं दिख रही है मेरे को, स्कॉर्पियो चल पड़ी है। ये पंखा गेयर काने दे रखे, 4-5 पंखे, जो नया पंखा परसों मैंने लगाया तो चल तो रहा है, बट हीट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसको बोलना भी पूछना भी है तो इतना हीट क्यों कर रहा है। जब भैया मुंह को देखते हुए घुर्रा रहे हैंगे, उठेंगे मुँह। पंखा ना गेयर काऊँ जी, पंखा ना गेयर काऊँ, ये क्वेश्चन मार किधर जा रहे हैंगे, तेल खूस रहेंगे गाड़ी का, मगर ना आई ना आई नहीं तो जा रहे हैं, एक्चुअली जा रहे हैं भैया पंखे बनवा रहे। यहाँ पर भी ना देखी, सेल्टोस भी नहीं देखी मेरे को। भैया गर्मी तो हो रही जुलम, अत्यंत गर्मी, तो भाई जुलम, हवा भी नहीं चल रही जो बताऊँ तो। और भाई एक बात और कि बोमिशो वालों ने जो नई ब्रांच खोली है उसकी डेट रख दी है, 1 अक्टूबर को वो ओपनिंग कर रहे हैं इसकी, और फिर हम यहीं आएंगे 1 तारीख से अपने 65 सेक्टर में, वहाँ पे भी जाएंगे कभी कभार, और बट ये ब्रांच अपनी ओपन होने वाली है, बढ़िया न्यू इक्विपमेंट होगा, सब कुछ बढ़िया टूर कराएंगे आपको, जिनका बताना कैसी जी में, एनी टाइम से बेटर मिलेगी इतना मैं बता रहा हूँ पक्का, क्योंकि बोमिशो पहले से बड़ी अच्छी जिम थी, वो जहाँ पे अब जा रहे हैं वो तो थोड़ा क्राउड की वजह से थोड़ा भीड़ भड़क्का सा अजीब सा लगता है, ये तो मशीन्स और उसका कैफेटेरिया था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, पहले कैफेटेरिया था उसमें बहुत बड़ा, इसमें होगा शायद अगर टूर कराएंगे उसका भी कैसी जिम में। तो भाइयों पंखे दे दिए हैं, और बीच में मेरे पास आ गया था, मेरे आ गया, मैंने ही फ़ोन किया उसको, अपने दोस्त को तरुण है उसको फ़ोन किया था, और मैं उसका घर ही पास में, तो उससे कुछ बात हुई है, तो
मैं सोचा हूँ आया हूँ तो उससे मिलता जाऊँ घर ही है। मैंने कहा भाई बनवा ले दूध या चाय को भी कुछ भी बनवा ले, आ रहा हूँ मैं तेरे घर, मेरे मन ना लगा तेरे बिना। तो भाई उसके पास जा रहा हूँ, उससे मिलेंगे अभी। भाई यहाँ से लेफ्ट लेते ही थोड़ा आगे उसका घर है, ज़्यादा दूर वाले दोस्त ना मेरे पास पास वाली है भाई, तो मिलेंगे। छोरा थोड़ा उदास लग रहा हूँ मैं, मैं कहा भाई हमारे होते तू कैसे उदास हो सके, हमारे होते तो रोना पड़ेगा तो भाई रुआ क्या मैं थोड़ा सा उदास होने तो कौन थोड़ी चले। तो यू आ गो भाई मित्र मारो बुरी शिकल को। भाई कंटेंट नहीं खराब होना चाहिए भाई। बंद कर इसने भाई सर मारो तो रही हूँ कैमरा कौन सा सही है तेरे बंद कर ले आगे भाई हम बगीचे में भाई के रूम में बैठे हैं देख रहे हो क्या बात है क्या बात है भाई ठंडो चिल्ड हो रहा रूम का तई। हालांकि इसने एसी को डिस्प्ले फूक दिया पर पुराना माल बढ़िया चल रहा है भाई। हो गए हो बाहर अब कह रहा लोग मेरी वीडियो मत बनाओ शर्मा शर्मी का माहौल बना हुआ है। अब भाई ये तो बाहर गए हो अब अंकल ने बुला लिया तो इसलिए मैंने जैकते सी चोरी छुपे बना लिए वीडियो अभी पता नहीं 25 के लिख रखा है अभी बूढ़ो तो ही होली 25 लिख रहा ऊपर वाले के दो चार दिन छोटा हो गया तो गए बड़े बाहर आ जाने। मैं भी कहूँ मल्लू क्यों लगा फोटो में इतना भाई शायद टिकटॉक वाली लाइट लगा रखी है हम तो वहाँ पर लगा फोटो और फिर खींचा फोटो बुद्धि बहुत नॉर्मल चल जाएगी हमको बनाने वाला चाहिए तो बना लिया कह क्यों दे लास्ट पे पहुंच जा अमन अमन के लिए बनाई थी अमन शादी में आया था ना तो मैंने बोला अमन तेरे भाई ऐसी कॉफी बनाओ बैठ जो तू पीते रहता है ठीक है तो मैं उसके लिए बनाने के लिए आया हूं। मैं ना बिल्कुल कम चीनी की पी। अच्छा एक सेकंड पापा पापा का डर देख रहे भाई साहब फादर साहब का डर है भाई साहब इतना देख अमन के लिए बनाई भाई ने कॉफी अमन के लिए मैं कॉफी बनाने के लाए हूं तो भाई अब अमन कह रहा भाई क्या बना दिया ये क्या बना दिया मतलब तो कह रहा पैंट शर्ट इसमें चीनी नहीं है जहर बना दिया तुमने तो मैं पी के देखी मैं सोचा यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी मैं पी तेरे तो ठीक थी नॉर्मल हो कह रहा भाई क्या है ये कड़वा जहर पिला रहा तू पैंट शर्ट नहीं पिलानी वैसे मना कर दे तो मैं बोला भाई चीनी का तो जबक छुटा रहा तू मेरी अमर कह के पहले फिर मैंने बोला कि चीनी चीनी डलवा दे इसमें तो मैं चीनी डाल के लिया तो यार एक कप है एक कप में दो कप दो चम्मच चीनी बहुत है बहुत है तो मैंने उसमें दो चम्मच चीनी डाल दी फिर कह रहा भाई तरुण चीनी भी नहीं खत्म है क्या घर पे यार बता दे मैं पहन तो पागल पागल है कितनी चीनी पियो वो तो उन्होंने कहा तू डब्बा उठा ले यार फिर डब्बा उठा ले मेरे सामने उस बंदे ने चार चम्मच और डाल दिया तुम कहते ना भाई डब्बे में घेर ले कॉफी पट ले कहना शरबत पीनी है तूने कह रहा शरबत की बात ही नहीं है मैं कह रहा कॉफी इतनी स्ट्रांग है साली कड़वी लग रही है मेरे को जहर देख लो भाई हम तो पी रहे दही कस पी रहा चैटी लगा के अच्छी बनाई भाई ने नई कंपनी की प्यार पता ना घर ही बना रहा ऑर्गेनिक सी लग रही है भाई भाई कुछ हो सके घर ही खेत बोरा के हों कॉफी के ये जो तेरे को कॉफी पिला रहा हूँ ना वास्तव में बता रहा हूँ ये वो वाली है जो बिल्ली की टट्टी में अबे बिल्ली घोल कर दे दीवार और हम बड़े चाव से भी आला आला के ये नेस्कैफे और ये बनाई मेरे आगे दो मिनट में लगी भाई बिल्कुल भाई बहुत अच्छी बनाई तने मैं भी कहूँ यार तू बोर हो इतने क्यों लगाए तने तू इधर रखो टिकटॉक का मामला ये मेरे में ये मैं कहाँ से कपड़ा सिल मैं तू कह रहा भाई ये जो प्यार दिख रहा इन फोटोओं में क्या ये शादी के बाद भी बरकरार है ए पूरा पूरा बरकरार है शकल पे तो नहीं दिख रहा शकल
तेरी शक्ल पे दिखता है? नहीं दिखता, हम दिखाते नहीं। तेरी शक्ल पे तो देखना देखना, ये देख लड़का, देखिए दिख रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए। अरे देखिए ना, फर्क तो पड़ा है, देख बात पे। अब भाई के पास तो निकल लिए हम, भाई जाएंगे घर सीधो, फिर होंगे रेडी। और जिम की छुट्टी मारते हो गए मुझे 2 दिन, और छुट्टी नहीं मानी आज, आज जाना जिम। वो आए ना आए, आज आएंगे से, क्योंकि बोल रहा था निशांत कल मेरे को, फिर भी आज अब लेट नहीं है, अब जाना भाई जिम। हाँ तो भीड़, ट्रैफिक लग रहा होगा यार, एक भाई तो बनेगी। हाँ हाँ भाई तू लिट जा, तो जल्दी ज़्यादा है। अब देखो ट्रैफिक कितना है, वाह वाह वाह। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं घर से, और निशु का भी कॉल आ गया है, वो कह रहा भाई आ जाओ। मैं कहा भाई निकल लिया बस, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। और शुभम का भी आ लिया, शुभम भी कह रहा आ जाओ भैया। मैंने भाई निकल लिया हूँ मैं बस, पहुँचता हूँ। और बारिश आई थी बट रुक गई, वो तो यार थोड़ी बहुत पड़ी थी, रुक गई। वही वाली बात, आज गाड़ी वॉश कराई थी दोनों, खुद ही करी थी एक तो, और एक शायद पवन ने करी थी, वो तो सारी खराब हो गई, मतलब उस पर सारी मिट्टी मिट्टी चिपक रही है। बहुत बढ़िया भाई। अरे भाई देखो ये क्या हमारी गर्ल फिल्म बनी है। मैं वही वाली बात है, जल्दी करने की कोशिश करो, जितना भी उतना ही लेट हो जाता हूँ। अरे बहन जो पूरा सारा ये खोद दिया यहाँ से वहाँ तक, अब ये वापस अब मेरे को जाना पड़ेगा उल्टा, जल्दी के चक्कर में हो गया लेट। जितना ही जल्दी कर लो उतना ही लेट होना है, वापस मोड़ो गाड़ी, अब मेन रोड से वापस जाना है। वैसे एक रास्ता हो रहा है उससे जाता हूँ, वही शॉर्टकट ही पड़ेगा वैसे तो। भैया टाइम तो ख़राब, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अब देखो ये रोड कैसा है, इसमें से जा रहा था मैं, पहले कच्चा है, स्लो मोशन से चढ़ो उल्टा, खराब सारा काम। कितना ही जल्दी कर लो कि भाई चलो उधर चलते हैं, अब जिम पहुँचते हैं जल्दी से, पर नहीं अब भाई क्या कर सकते हैं। वापस मुड़ी गाड़ी, अब यहाँ बीच में एक रास्ता उधर से जाऊँगा अब निकल के। भाई वही वाली बात, बारिश पड़ी गुड़गांव में, जाम से घबर जाता है भाई। ये देख लो जाम कितना बढ़िया हो रखा आज, बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा, अराउंड 1 किलोमीटर का होगा ये, पर हम बीच में तो शॉर्टकट मार देंगे, पर जाम तो जाम ही है भैया, क्या कर सकते हैं, खड़े रहो। ये मेरे को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 20-1 फिट से मैं तो कट मार दूंगा लेफ्ट, उसके बाद सीधा जाम दिख रहा है दूर तक ये, मतलब वही है ना, जल्दी कर लो तो लेट होना है, उतना ही वही होता है हमेशा मेरे साथ। और आज जिम की मेम्बरशिप दे देनी है, पैसे देने उनको, 1 अक्टूबर से जिम की ओपनिंग होगी, ये वीडियो डालेंगे भाई। भैया पहुंच गया आखिरकार हम, ऑलमोस्ट 50 मिनट की जद्दोजहद के बाद जिम के नीचे। ला भैया धन्यवाद, भाई अब चलते बेसमेंट में। अरे राधे, ये भैया, ये भैया पार्किंग लगा रहे हैं, अब इन्हें दिक्कत हो रही है पार्किंग लगाने में। ये वेट कर रहा था कैसी पार्किंग लगा रहा भाई, ये पार्किंग लगा रहा है, मुझे ले दिया है। अरे भाई ये पार्किंग तो हम लगाएंगे नीचे जाएगा, चलो ये बड़े लाइट वेट। भाई वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, फीस भी मैंने पे कर दी है, और अभी चल दिए हैं घर, कुछ सामान वगैरह लेना है वो ले लेते हैं रास्ते में। ये हमारा लिफ्ट आ चुकी है घर, ये जा रहा हमारा ठीक है, हमारा सेठ, ये सेठ आदमी हमारे करण सिंह, और भैया हम भी आ गए हैं। गाड़ी गाड़ी बंद, क्या कर रहे हो, बाय कर दी
बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोल दो, राधे कृष्णा। चलो भाइयों अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, और आपसे मिलते हैं कल। अभी राधे कृष्णा।